किसी भी शास्त्र को या किसी भी विद्या को तुम एकदम ये नहीं कह सकते ये बेकार है, ना ये एकदम कह सकते ये 100% यही है परम सत्य। गुरुदेव, वास्तु शास्त्र का क्या मतलब है? देखो, हर चीज का कुछ ना कुछ है, परम सत्य भी नहीं कह सकते हो और बेकार भी नहीं कह सकते हो, सब में गुणग्राही बन जाओ, उसमें कुछ होगा, कुछ है, जरूर है, मगर उसमें का कई तरह का उपाय है, कई तरह की विद्या है, एक नहीं है, बहुत है। तो देखो, आयुर्वेद को इसी तरह से हम लोगों ने कहा, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो पुराना धक्यानुसी, लोग कह देते थे ये तो कुछ भी बेकार है, ये तो बहुत पुराना, पुराने जमाने का, ये सब छोड़ दे सब। ऐसा करते करते हिंदुस्तान से पंचकर्म आदि आयुर्वेद के ज्ञान एक छोटे से कस्बे में केरला में जाके रह गया, बाकी सब जगह से लुप्त ही हो गया, कहीं था ही नहीं। केरला में भी एक छोटे से गांव में बचा रहा, फिर वहां से उसको उठाया, जब लेके आए सौ 1980 में, हमने सब आयुर्वेद के जितने भी डॉक्टर वैद्य थे हिंदुस्तान में, सबको दिल्ली में बुलाए थे वसंत विहार में, और इनके साथ हमने बुलाया सब ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के जितने मॉडर्न मेडिसिन के प्रणेता थे, ज्ञानी थे, डॉक्टर्स, इन दोनों को बिठाओ। वो बहुत फनी प्रोग्राम था, एक दूसरे के बाद एक भी राजी नहीं होते थे, ये कुछ कहेंगे वो कुछ कहेंगे, वो बोले ये तो बिल्कुल बेकार, वो तो ये तो बिल्कुल बेकार। एक हल्दी की बात चढ़ी तो एम्स के डॉक्टर ने बोला, गुरु जी ये हल्दी वल्दी कुछ नहीं, जस्ट ए पिगमेंट, सिर्फ रंग है, इससे कुछ नहीं होना है, ये सब दवा में सब हल्दी वल्दी लगा देते, इससे कुछ नहीं होता, बहुत अनसाइंटिफिक है, उन्होंने कहा। अब हमारे आयुर्वेदिक लोगों ने कहा कि हल्दी जो है ये तो एजिंग प्रोसेस को रोकता है, शरीर में ये पैदा करता है, ये गुण पैदा करता है, वायस्थापन करता है, वायस्थापन करता है, इस बात को मानने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे। मगर आज जब रिसर्च ने ये बताया हल्दी इज़ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, वो वायस्थापन करता है, आप सारे डॉक्टर फिर उसको मानने लगे। तो अपना विज्ञान भी जो है ना प्रगति पर है, प्रगतिशील है। आज विज्ञान ने आयुर्वेद को उच्च कोटि की मेडिसिन दवा करके मान्यता देना शुरू कर दिया। तो इस बात को मेरे लोग पुराने कभी लोगों ने तो बताया तो था इस बात को, तो इसलिए हम ये कहते हैं पूर्वाग्रह से किसी चीज को देखो मत, ताजा नजर से देखना। क्या? ताजा नजर से देखो।